नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, इस बार जो व्रत की पूनम है वो 7 दिसंबर बुधवार के दिन है, क्योंकि बुधवार के दिन ये पूनम सुबह 8:01 से शुरू हो रही है। लेकिन क्योंकि उदया तिथि गुरुवार की है तो 8 दिसंबर को भी पूनम मनाई जाएगी। जो भी पूजा पाठ है, दान धर्म के जो भी कार्य है, वो आप 8 तारीख गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। इस बार इस महीने जो पूनम आ रही है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये मार्गशीर्ष महीना है। ये महीना भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, तो महीना भी भगवान का है और ये जो पूनम है ये भी भगवान नारायण की है। आज के दिन ये उपाय जो मैं बता रही हूँ, आप आज की रात करें, पूनम की रात आप इस उपाय को करें। किस्मत दोस्तों सोने जैसी चमक उठेगी, कदम कदम पर आपको सफलता मिलेगी, आपका आत्मविश्वास प्रचंड होगा। आपको क्या करना है, आज के दिन रात को एक शीशा लेकर के छत पर जाना है और उस शीशे को आपको चंद्रमा की रोशनी में रख देना है। शीशे को इस तरीके से रखें कि चांद की जो भी किरणें हैं, आज के दिन जो चंद्रमा से किरणें निकलती है दोस्तों बहुत पावरफुल होती है, तो ये किरणें कांच पर शीशे पर गिरती रहे, उसको आपको इस तरीके से रखना है और आपको नीचे उतर कर आ जाना है। सुबह सूर्योदय के पहले, मतलब जब कुछ थोड़ा अंधेरा हो उसी समय आप एक कपड़ा लेकर के जाएं, कांच के ऊपर कपड़ा डाल दें और उसको लपेट करके आप अपने घर में नीचे उतर करके आ जाएं। ये कांच में दोस्तों जबरदस्त वशीकरण बल जागृत हो जाता है। पूनम का जो चांद है ये व्यक्ति के जोश को, उत्साह को जबरदस्त रूप से बढ़ाता है। आज के दिन जो किरणें निकलती हैं चांद की वो व्यक्ति के मन पर असर करती है। शीशा किसी भी चीज को अपने अंदर खींच लेता है, तो आज के दिन इस तरीके से आपको चांद की रोशनी से शीशे को अभिमंत्रित कर लेना है, इसको आपको एक्टिव कर लेना है और इसको, इसमें आपको अपना मुंह नहीं देखना है, किसी को भी मुंह नहीं देखने देना, इसको आपको चुपचाप रख लेना है। और फिर जब भी आपको जरूरत पड़ती है, जैसे आप कहीं किसी व्यापारी से मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी बिजनेसमैन के पास आपको कोई डील नक्की करनी है, आपको किसी से बड़ा ऑर्डर लेना है, आप किसी से दोस्ती यारी मित्रता करने के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत अच्छा भाव दे, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपका कहीं छोटा मोटा अफेयर चल रहा है और आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आप सर्विस पर जा रहे हैं, बॉस आपसे नाराज रहते हैं, तो भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति को आप चाहते हैं कि इसका दिमाग बदल जाए, ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आप इस क्रिया को जरूर करें। आपको हर काम में जबरदस्त सफलता मिलेगी। आपको करना क्या है, घर से निकलने से पहले इस कांच का कपड़ा हटाकर इसमें अपना मुंह देखना है और अपनी इच्छा बोलनी है और इसकी तरफ हंस करके देखना है और इसको फिर से कपड़े में लपेट करके आपको छुपा देना है। इस तरह के शीशे में आप मुंह देखकर जब भी घर से निकलेंगे सफलता चरण चूमेगी, विश्वास प्रचंड होगा। करके देखिए, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।